नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। तो चलिए बिहार की 10 प्रमुख बड़ी खबरों के बारे में जानते हैं। खबरों की ओर आगे बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध है कि वीडियो को एक लाइक अवश्य करें और साथ ही साथ अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राजधानी पटना समेत बिहार के कई जिलों में लगातार बारिश। जी हाँ, बिहार में मॉनसून अब पूरी तरह से सक्रिय हो चुका है। शनिवार से लगातार हो रही बारिश अब लोगों के जनजीवन को भी प्रभावित करने लगी है। वहीं मौसम विभाग के अनुसार अगले 72 घंटे प्रदेश के कई इलाकों में मध्यम से भारी बारिश के आसार। बारिश के कारण नदियों के जलस्तर में काफी बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। कई नदियां लाल निशाने को छूने के कगार पर। नदी किनारे के इलाकों में बाढ़ की स्थिति बन चुकी है। प्रदेश में मॉनसून की अति सक्रियता जारी है। विभिन्न चक्रवाती सिस्टम से बिहार कम दबाव का केंद्र बना हुआ है, लिहाजा बादल उमड़ उमड़ कर बरस रहे हैं। कपासी बादलों की आवाजाही मौसम विज्ञानियों के लिए भी चौंका रही है। ऐसी परिस्थिति में अगले 72 घंटे तक तकरीबन पूरे प्रदेश में मध्यम से लेकर भारी बारिश के आसार बने हुए हैं। प्रदेश में अभी तक सामान्य से 176% अधिक यानी कि 239.6 मिलीमीटर बारिश दर्ज हो चुकी है। गंडक और कोसी नदियां लाल निशान से ऊपर बह रही है। गंगा, घाघरा एवं उनकी अन्य सहायक नदियों का जल स्तर लगातार बढ़ रहा है। 20 जून को सुबह से लेकर शाम तक प्रदेश में औसतन 38 डिग्री सेल्सियस बारिश दर्ज की जा चुकी है। बिहार के कोविड केयर सेंटर के सामने आई सच्चाई, डॉक्टर के कुर्सी पर नजर आया एम्बुलेंस चालक। जी हां, हाल के दिनों में अपने कई कारनामों को लेकर सुर्खियों में रहे सुपौल जिले के त्रिवेणीगंज अनुमंडलीय अस्पताल के बुनियाद केंद्र स्थित कोविड केयर सेंटर का जब शनिवार को मुआयना किया गया तो कोविड-19 के पदस्थापित डॉक्टर अनुपस्थित थे और उनकी कुर्सी पर एम्बुलेंस चालक राहुल कुमार हाथ में मोबाइल लिए टाइम पास कर रहा था। जब इसकी शिकायत हेल्थ मैनेजर प्रेमचंद रंजन से की गई तो उन्होंने प्रभारी डीएम डॉक्टर वीरेंद्र दरबे को आड़े हाथों लेते हुए उन पर कई गंभीर आरोप लगा डाले। उन्होंने कहा कि एम्बुलेंस का कितना उपयोग होता है, यह कोविड सेंटर में लगे सीसीटीवी कैमरे में इसकी सच्चाई को जाना जा सकता है। वहीं डॉक्टर वीरेंद्र दरवे ने खुद पर लगे आरोपों को सिरे से नकारते हुए कहा कि मेरी अनुपस्थिति में कुर्सी पर कौन बैठा है इसकी जानकारी मुझे नहीं है। बिहार में 6,500 डॉक्टर सहित 30,000 पदों पर बहाली, 2 महीने में पूरी होगी प्रक्रिया। जी हां, बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत करने और कोरोना को संभावित तीसरी लहर से निपटने के लिए स्वास्थ्य विभाग में सरकार 30,000 से अधिक पदों पर नियुक्तियां करेगी। नए नियुक्तियों में अकेले सामान्य और विशेष डॉक्टर मिलाकर करीब 6,500 पदों को भरा जाएगा। बीते दिनों स्वास्थ्य विभाग में रिक्त पदों के भरने के संबंध में विभागीय मंत्री मंगल पांडे की अध्यक्षता और विभाग के अपर मुख्य सचिव की मौजूदगी में नियुक्तियों को लेकर गहन विचार विमर्श किया गया। उसके बाद करीब 30,000 पदों पर नियुक्ति के प्रस्ताव को हरी झंडी दी गई। स्वास्थ्य सूत्रों की माने तो वर्ष 2021-22 के सितंबर के मध्य तक विभाग ने 6,338 सामान्य और विशेषज्ञ डॉक्टरों के नियुक्तियों का प्रस्ताव मंजूर किया है। इनके अलावा 3,270 आयुष डॉक्टरों की बहाली भी होगी, जिसमें आयुर्वेद, होम्योपैथ, यूनानी पद्धति के चिकित्सक भी होंगे। आज से खुलेगा पटना हाई कोर्ट, वीसी के जरिए होगी सुनवाई। गर्मी की छुट्टी के करीब 1 महीने बाद आज से पटना हाई कोर्ट में कामकाज शुरू होगा। हालांकि ऑनलाइन माध्यम से ही सभी मामलों की सुनवाई होगी। पटना हाई कोर्ट के विभिन्न पीठ द्वारा सुबह 10:30 से लेकर 4:15 तक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई होगी। कोर्ट सिर्फ उन्हीं मामलों की सुनवाई करेगी जिसे ई फाइलिंग द्वारा दायर किया गया है। रोजाना 50 आपराधिक एवं 30 सिविल मामलों की सुनवाई होगी। ई फाइलिंग के द्वारा सभी मामलों के दाखिल करने के लिए कोर्ट फीस अनिवार्य कर दिया गया है। इसे लेकर ऑनलाइन पोर्टल बनाया गया है। गौरतलब है कि पटना हाई कोर्ट पिछले 22 मई से बंद है। ग्रीष्म अवकाश के दौरान स्पेशल बेंच का गठन किया गया था जिसमें केवल अति आवश्यक मामलों की सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की जा रही थी। पटना हाई कोर्ट प्रशासन ने ग्रीष्म अवकाश में नए मामलों की ई फाइलिंग को रोक दिया था। कोरोना महामारी के मद्देनजर विगत 15 माह से पटना हाईकोर्ट का कार्य बाधित है। कोरोना की पहली लहर खत्म होने के बाद हाईकोर्ट को कुछ दिनों के लिए फिजिकल माध्यम से खोला गया था, लेकिन कोरोना की दूसरी लहर आने के बाद मामलों की सुनवाई पूरी तरह से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होने लगी। अब करीब 1 महीने बाद आज से पटना हाईकोर्ट खुलेगा और ऑनलाइन के जरिए ही सभी मामलों की सुनवाई की जाएगी। टीका नहीं लेने वाले मुखिया जी पर सख्त हुई सरकार, वैक्सीन नहीं ली तो चुनाव लड़ने पर रोक। जी हां, बिहार में कोरोना टीकाकरण अभियान को लेकर पंचायत प्रतिनिधियों में खासतौर पर मुखिया जी की उदासीनता को लेकर अब राज्य सरकार गंभीर हो गई है। राज्य सरकार ने अब सख्त रवैया अपनाते हुए कहा है कि अगर किसी ने कोरोना का टीका नहीं लिया तो उसके पंचायत चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी जाएगी। पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था के तहत चुनाव लड़ने वाले सभी लोगों के लिए
कोरोना वैक्सीन लेना अनिवार्य होगा। सम्राट चौधरी ने कहा कि त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के तहत चुनाव लड़ने वाले सभी लोगों को कोरोना वायरस से बचने वाला टीका लगाना होगा। कोरोना महामारी के रोकथाम के लिए यह जरूरी है। इसके लिए पंचायती राज विभाग राज्य निर्वाचन आयोग से अगले चुनाव से पहले इस आशय की व्यवस्था करने का आग्रह कर रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार चाहती है कि ऐसे कड़े नियम बनाए जाएं जिसमें पंचायती राज के जनप्रतिनिधि सरकार द्वारा चलाए जा रहे टीकाकरण अभियान में हिस्सा ले। वे चाहते हैं कि अगले पंचायत चुनाव के दौरान चुनाव लड़ने वाले वैसे जनप्रतिनिधियों को अयोग्य घोषित किया जाए जिन्होंने कोरोना का टीका नहीं लिया है। इसके लिए राज्य निर्वाचन आयोग से अपील है कि वह इस पर गंभीरता से फैसला ले और टीका नहीं लगाने वालों को चुनाव लड़ने पर रोक लगाए। अगले हफ्ते हो सकता है केंद्रीय मंत्रिमंडल का विस्तार। 4 माह बाद पीएम मोदी से मिलेंगे नीतीश। मोदी कैबिनेट के विस्तार और फेरबदल की अटकलों के बीच इस वक्त की ताजा खबर सामने आ रही है। सूत्रों की माने तो अगले हफ्ते केंद्रीय मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। केंद्रीय कैबिनेट के विस्तार से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज दिल्ली जा सकते हैं। दिल्ली दौरे पर सीएम नीतीश की मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हो सकती है। इसके अलावा वह बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मुलाकात कर सकते हैं। सूत्रों की माने तो नीतीश कुमार आज दिल्ली जा सकते हैं। सीएम नीतीश 4 महीने बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने वाले हैं। दोनों नेताओं के बीच 11 फरवरी को दिल्ली में मुलाकात हुई थी। बिहार विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करने के बाद सीएम नीतीश जब दिल्ली दौरे पर गए थे तब उनकी औपचारिक मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से हुई थी। अब एक बार फिर दिल्ली दौरे पर जाने वाले हैं। सूत्रों की माने तो सीएम नीतीश का दौरा इस लिहाजा से बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि केंद्रीय कैबिनेट में जनता दल यूनाइटेड के शामिल होने की पूरी तैयारी है। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने इस बात की पुष्टि की है कि उनकी पार्टी केंद्रीय कैबिनेट में शामिल होना चाहती है, लेकिन केंद्रीय मंत्रिमंडल में जनता दल यूनाइटेड को कितना मंत्री पद मिलने वाला है यह सब कुछ अभी तय नहीं हो पाया है। माना जा रहा है कि सीएम नीतीश के इस दौरे में बीजेपी के साथ अंतिम मुहर लगेगी। बिहार के 186 अंचलों में अब महिला सीओ की होगी तैनाती। पोस्टिंग में 35% आरक्षण पर अमल के आदेश जारी। जी हां, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का आदेश है कि एसडीएम बीडीओ और सीओ के 35% पदों पर महिला पदाधिकारी की नियुक्ति की जाए। सामान्य प्रशासन विभाग ने राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को इस संबंध में निर्देश देते हुए जानकारी मांगी है कि वर्तमान में सीओ के पद पर कितनी महिलाएं कार्यरत हैं। सीएम के आदेश पर किस विभाग ने कितना अमल किया है इसकी 1 जुलाई को विकास आयुक्त समीक्षा करेंगे। राज्य में 534 अंचल है। 35% महिला अंचलाधिकारी का मानक पूरा करने के लिए 186 अंचलों में महिला पदाधिकारी तैनात करने होंगे। वर्तमान में 15% के करीब महिला सीओ हैं। महिला सशक्तिकरण के तहत मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में सभी जिला अनुमंडल और प्रखंड स्तरीय सरकारी कार्यालयों में महिलाओं की भागीदारी 35% करने का निर्णय लिया गया था। शुक्रवार को सामान्य प्रशासन विभाग ने विभिन्न अंचलों में अंचल अधिकारी के पद पर महिला पदाधिकारी को पदस्थापन में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अपर मुख्य सचिव विवेक कुमार सिंह को पत्र भेजा है। बिहार बोर्ड ने 10वीं और 12वीं के कंपार्टमेंटल परीक्षा का रिजल्ट किया जारी। एक बार फिर रचा गया इतिहास। जी हां, बिहार बोर्ड के द्वारा इंटरमीडिएट और मैट्रिक वार्षिक परीक्षा 2021 में एक या दो विषय में फेल करीब 2.19 लाख स्टूडेंट्स को ग्रेस मार्क्स देकर पास कर दिया गया है। इसके साथ ही बोर्ड ने कंपार्टमेंटल परीक्षा का रिजल्ट जून में ही जारी कर एग्जाम चक्र की प्रक्रिया को समाप्त कर दिया। कोरोना काल में इंटर व मैट्रिक कंपार्टमेंटल परीक्षा 2021 की प्रक्रिया जून में समाप्त कर बोर्ड ने इतिहास रच दिया है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने शनिवार शाम 5 बजे रिजल्ट जारी कर दिया है। मैट्रिक व इंटर की कंपार्टमेंटल परीक्षा 2021 में सम्मिलित होने के लिए पात्र स्टूडेंट्स में से अतिरिक्त अंकों का ग्रेस मार्क्स पाकर सफल हुए स्टूडेंट्स अपना रिजल्ट results.biharboardonline.com पर जाकर देख सकते हैं। बोर्ड ने कहा है कि छात्र हित में बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा इंटरमीडिएट एवं मैट्रिक वार्षिक परीक्षा 2021 में एक या दो विषयों में फेल वैसे स्टूडेंट्स जो इंटर और मैट्रिक के कंपार्टमेंटल परीक्षा 2021 में शामिल हो सकते थे उनको पिछले वर्ष की तरह इस बार भी अपवाद स्वरूप कुछ अतिरिक्त ग्रेस मार्क्स देकर पास कर दिया गया है। 2.25 महीने बाद पटना IGIMS में शुरू हुई OPD सेवा। जानिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया और सर्जरी शुरू होने की जानकारी। पटना के IGIMS में 2.25 महीने बाद शनिवार से OPD सेवा शुरू हो गई है। OPD शुरू होने के पहले ही दिन 78 मरीज इलाज के लिए पहुंचे। अभी OPD में सीमित संख्या में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है।
ऑनलाइन के जरिए ही अपॉइंटमेंट मिल रहा है। शुरुआत में 50 मरीज मेडिसिन व 30 सर्जरी विभाग के कुल 80 मरीजों की संख्या सीमित की गई है। दूसरी ओर पीएमसीएच और एम्स में पहले ही जैसे ओपीडी चल रहा था, वहां पर अब मरीजों की संख्या बढ़ गई है। ओपीडी में आने वाले सभी रोगियों व उनके परिजन की एंटीजन रैपिड किट से जांच की जा रही है। रिपोर्ट निगेटिव होने पर ओपीडी में प्रवेश मिल रहा है। वहीं इलाज कराने आए मरीज व उनके परिजनों ने बताया कि मोबाइल ऐप से ऑनलाइन पंजीयन का सबसे बड़ा फायदा यह है कि मरीज अपनी मर्जी से डॉक्टर, तिथि व समय चुन सकेंगे। बिहार में नियोजित शिक्षकों के दस्तावेजों की जांच जोर शोर से चल रही है। निगरानी जांच के दायरे में आए नियोजित शिक्षकों को दस्तावेज उपलब्ध कराने की सूचना शिक्षा विभाग के द्वारा बार बार दी जा रही है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार अभी तक करीब 88,000 शिक्षकों के प्रमाण पत्र निगरानी को नहीं भेजे गए हैं। ये दस्तावेज शिक्षा विभाग के माध्यम से भेजे जा रहे हैं। इन शिक्षकों की नौकरी पर खतरा मंडरा रहा है। वहीं 11,000 के करीब ऐसे शिक्षक हैं जिन्हें दोबारा अपने दस्तावेज अपलोड करने होंगे। राज्य के स्कूलों में पंचायती राज एवं नगर निकाय संस्थानों के अंतर्गत नौकरी कर रहे नियोजित शिक्षकों की नियोजन प्रक्रिया संदेह के घेरे में है। ये नियोजन 2006 से 2015 तक बहाल किए गए शिक्षकों से जुड़ा है। इनकी पात्रता और नियोजन अब निगरानी के दायरे में है और इन्हें अपने प्रमाण पत्रों को अपलोड करने को कहा गया है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार 3,10,000 शिक्षकों के फोल्डर जिला स्तर के विभाग के द्वारा निगरानी को भेजे जाने हैं, जिनमें करीब 88,000 शिक्षकों के फोल्डर अभी भी बाकी है। जिन शिक्षकों के फोल्डर भेजे जा चुके हैं उनमें करीब 11,000 शिक्षक ऐसे हैं जिन्हें दोबारा अपना फोल्डर भेजना पड़ेगा। इन 11,000 शिक्षकों में से कुछ तकनीकी कारणों से, कुछ अधूरे प्रमाण पत्र के कारण यह पूरी प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकी है। प्रमाण पत्र भेजने की यह कवायद इन्हें दोबारा करनी पड़ेगी। वहीं शिक्षा विभाग ने निगरानी जांच के दायरे में आए नियोजित शिक्षकों के दस्तावेज उपलब्ध कराने का अंतिम मौका 21 जून से 20 जुलाई तक दिया है। 20 जुलाई तक अगर ये शिक्षक अपने प्रमाण पत्रों को अपलोड नहीं करेंगे तो माना जाएगा कि उनकी नियुक्ति वैधता के संबंध में उन्हें कुछ नहीं कहना है। तो आज की सुर्खियों में बस इतना ही। बिहार से जुड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ ही साथ अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर जरूर करें। धन्यवाद।